तो फ्रेंड्स, अगर आपका फ़ोन कहीं गिर गया है या फिर आपका फ़ोन कहीं खो गया है तो आप उस फ़ोन को कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे आप उस फ़ोन को सर्विलांस पर लगा सकते हैं या फिर सर्विलांस पर फ़ोन लगाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, तो सारी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनु शर्मा और साइबर सोसाइटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाउ टू ट्रैक फोन बाई EMI तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सच में हम EMI से अपने फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी सर्विस लॉन्च नहीं हुई है जिससे कि कोई आम इंसान अपने फ़ोन को EMI से ट्रैक कर सके। इसके अथॉरिटी केवल पुलिस के सर्विलांस डिपार्टमेंट को ही होती है। तो फिर हम अपने फ़ोन को सर्विलांस पर कैसे लगवा सकते हैं? तो इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। दोनों ही ऑप्शंस के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका फ़ोन कहीं गिर जाता है फिर खो जाता है तो सबसे पहले आपको उस फ़ोन की एक ऑनलाइन FIR दर्ज करनी है। ऑनलाइन FIR दर्ज कैसे करते हैं, इसके लिए मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपका फ़ोन ऑन है और लग बाई चांस उसका डाटा भी ऑन है तो आप अपने फ़ोन की लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली दूसरा फ़ोन लेना है और गूगल पर सर्च करना है फाइंड माई डिवाइस। उसके बाद आप पहले लिंक को खोल लेंगे और अपनी Gmail ID और पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको फ़ोन की लोकेशन की एरिया आपको शो हो जाएगी। एग्जैक्ट लोकेशन तो फ्रेंड्स आपको यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जिस भी एरिया में आपका फ़ोन होगा वो एरिया आपको शो हो जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। इसमें पहला ऑप्शन आपको मिल जाएगा प्ले साउंड, इस पर क्लिक करते ही आपका जो फ़ोन है वो रिंग करने लगेगा। बेशक आपका फ़ोन साइलेंट पर हो फिर भी रिंग करने लगेगा। इसके साथ ही आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है सिक्योर डिवाइस, इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने लॉस्ट फ़ोन, जो आपका फ़ोन खो चुका है, उस फ़ोन से अपनी Gmail ID को साइन आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाएगा इरेज डिवाइस, इस पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन का जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने फ़ोन को सर्विलांस पर कैसे लगवाएं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम ऑनलाइन अपने फ़ोन को सर्विलांस पर कैसे लगवा सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 महीने पहले ही एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिसे खुद हमारे दूरसंचार मंत्री माननीय रविशंकर प्रसाद जी ने ऑफिशियली अनाउंस किया था। वेयर यू कैन ट्रेस ए लॉस्ट मोबाइल विदाउट इम्पैक्टिंग अदर। जिनका मोबाइल चोरी हो जाता है या खो जाता है तो आज के बाद वो पोर्टल में जाएंगे और अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर देंगे, जिसके बेसिस पे जो खोया हुआ फोन है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा और अगर कोई इस्तेमाल करता है तो वो ट्रेस कर लिया जाएगा। तो ऑनलाइन फोन को सर्विलांस पर लगवाने के लिए चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल साइट है। इस साइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सिंपली वहां पर जाकर इस वेबसाइट को खोल सकते हैं। देन सबसे पहले आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करके इस साइट को डेस्कटॉप साइट में चेंज कर लेना है। डेस्कटॉप साइट में चेंज करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, ब्लॉक स्टॉलन एंड लॉस्ट मोबाइल, अनब्लॉक फाउंड मोबाइल, देन चेक रिक्वेस्ट स्टेटस। यहाँ पर अगर आपका फ़ोन खो गया तो आप सिंपली जो पहला वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा। आप सिंपली सबसे पहले आप अपने मोबाइल की जानकारी देंगे, जो भी आपका मोबाइल गिर गया है यहाँ पर आप जो मोबाइल में सिमें पड़ी थी पहले, उसका पहला मोबाइल नंबर और उसका दूसरा मोबाइल नंबर, ये कंपलसरी नहीं है। दूसरा, अगर आपकी एक सिम पड़ी थी तो आप सिंपली एक नंबर भी यहाँ पर डाल सकते हैं। दैन उसके बाद आपको अपने फ़ोन की EMI नंबर भरने हैं दोनों। EMI नंबर भरने के बाद आप यहाँ से डिवाइस का ब्रांड चूज़ करेंगे, आपका ओप्पो, वीवो, जिसका भी सैमसंग वगैरह जिसका भी फ़ोन है आप उसका चूज़ कर लेंगे ब्रांड। ब्रांड चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर मॉडल लिखना होगा फ़ोन का मॉडल, जैसे आपका ओप्पो 37F या Redmi Y1, जो भी आपका मॉडल है वो यहाँ पर सिंपली आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर आएगा अपलोड मोबाइल परचेज इनवॉइस, यहाँ पर आपको जो आपका बिल मिला था मोबाइल खरीदते टाइम, ऑनलाइन खरीदा था या फिर ऑफलाइन खरीदा था, दोनों ही केस में आपको एक बिल मिलता है, तो उस बिल को आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको लॉस्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है, मतलब जहाँ पे आपका फ़ोन
गिरा था या फिर खुआ था, मिस हुआ था, उस जगह की इंफॉर्मेशन डालनी है आपको। सिंपली यहाँ पर उस जगह का नाम डालना है और उस दिन की तारीख डालनी जिस तारीख को आपका फ़ोन खुआ था, और यहाँ पर आप उसी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। बेशक आप किसी स्टेट में रहते हैं, यहाँ पर आपको उसी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आपका फ़ोन गिरा था या फिर मिस हुआ था। ऐसा नहीं हो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट या फिर होम स्टेट की लोकेशन डाल दें। देन उसके बाद यहाँ पर जो आपने एक ऑनलाइन FIR दर्ज की होगी उस पर आपको एक कंप्लेंट नंबर मिलता है, आपको सिंपली उस कंप्लेंट नंबर को यहाँ पर डाल देना है। और यहाँ पर आपको जो पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है वो भी फ़ोन जो गिरा था उस एरिया का ही पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद हमने जो ऑनलाइन FIR दर्ज की थी उसकी एक कॉपी मिलती है, उस कॉपी को हमें यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद मोबाइल का जो ऑनर था जिसके नाम पर भी बिल है या फिर जिसके नाम से भी हमने ऑनलाइन FIR दर्ज की है उसकी डिटेल हमें यहाँ पर भरनी होगी। यहाँ पर मोबाइल ऑनर का नाम डालना होगा। अब यहाँ पर हमें अपना होम एड्रेस डालना होगा जो भी हमारी ID में पड़ा हुआ है, आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड जो भी आप इसके साथ लगाएंगे उस ID में जो नंबर पड़ा हुआ है उस ID का एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ID सिलेक्ट करनी होगी, आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई और गवर्नमेंट ID भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको उस ID की एक कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी होगी। उस ID का यहाँ पर आपको ID का नंबर डालना होगा, आप आधार कार्ड नंबर से कर रहे हैं तो आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे, पैन नंबर से कर रहे हैं तो पैन नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID फिल करनी है। ईमेल ID कोई कंपलसरी नहीं है लेकिन आप फिल कर भी सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। सारी डिटेल को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर ये ऑप्शन अभी बंद आ रहा होगा नज़र, यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर देंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन खुल जाएगा और आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर गेट OTP का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद आपके फ़ोन पर एक OTP भेज दी जाएगी और साथ ही आपको उस OTP को डालकर अपने नंबर को वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपकी जो ऑनलाइन रिपोर्ट है वो दर्ज हो जाएगी। दर्ज होने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी जिसमें आपको एक रिक्वेस्ट ID मिल जाएगी। देन उसके बाद बैक मैं वेबसाइट पर आऊँगा और आपका फ़ोन अगर बाई चांस इन फ्यूचर कभी भी आपका फ़ोन मिल जाता है तो आप यहाँ पर अनब्लॉक फॉन्ड मोबाइल पर क्लिक करेंगे और जो आपको ID मिली थी रिक्वेस्ट ID वो ID और मोबाइल नंबर डालकर OTP वेरीफाई करके आप अपने फ़ोन को अनब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन FIR रिपोर्ट दर्ज करते ही हमारा जो फ़ोन है वो ब्लॉक हो जाता है, अगर आपको फ़ोन मिल जाता है तो आप यहाँ से उसे अनब्लॉक कर सकते हैं। देन उसके बाद साथ ही हमें तीसरा एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, चेक रिक्वेस्ट स्टेटस। इसमें आप रिपोर्ट दर्ज करने के बाद टाइम टाइम पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन की स्थिति क्या है, वो फ़ोन मिला है या नहीं मिला, ट्रैक हो पाया नहीं हो पाया, जो भी स्थिति है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। रिक्वेस्ट ID डालकर आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपकी सारी जो है डिटेल वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपका जो भी फ़ोन लॉस्ट हो चुका है उसकी आप ऑनलाइन रिपोर्ट करके उसे सर्विलांस पर लगवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने फ़ोन को ऑफलाइन सर्विलांस पर कैसे लगवाएं। तो फ्रेंड्स, 2018 में मेरा एक फ़ोन चोरी हो गया था, वो फ़ोन तो मुझे नहीं मिला लेकिन एक्सपीरियंस ज़रूर मिल गया जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और उस एप्लीकेशन को संबंधित अधिकारी के ऑफिस में जाकर जमा करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उस एप्लीकेशन को कैसे लिखना है। ये फ्रेंड्स देखिए, आपको जो डिस्प्ले पर दिख रही है कुछ इस तरीके से आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। इसमें सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है सेवा में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं, मतलब यहाँ पर आप अपनी सिटी का नाम लिख सकते हैं, जो भी जिस भी सिटी में आप रहते हैं। ये जो एप्लीकेशन है वो SSP के लिए लिखी जाती है। फिर उसके बाद आपको लिखना है श्रीमान निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी, इसके बाद आप यहाँ पर अपना नाम डाल सकते हैं और फिर सन ऑफ करके अपने पिता का नाम डाल देंगे, निवासी, और उसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे यहाँ पर का रहने वाला है। इस तरीके से हमारा पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। देन उसके बाद आपको लिखना है प्रार्थी का मोबाइल, यहाँ पर आप अपने फ़ोन का मॉडल लिखेंगे जिसपे, फिर यहाँ पर आप अपने पहले सिम जो नंबर पड़ा था उस नंबर लिखेंगे और उस सिम का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका नाम लिखेंगे। देन उसके बाद दूसरा नंबर लिखेंगे और उसकी सर्विस प्रोवाइडर का नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे की सिम लगी हुई है, दिनांक यहाँ पर जिस तारीख को आपका फ़ोन लॉस्ट हुआ था वो तारीख लिखेंगे और उसके साथ ही यहाँ पर आप समय भी लिख सकते हैं। समय आप यहाँ पर लिखा होगा 11:58 बजे
कछला पुल से गंगा घाट के बीच गिर गया। आप अगर आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 11:30 से 12 बजे के बीच, इस टाइप से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद लिखना है मैंने अपने मोबाइल को काफ़ी तलाश करने की कोशिश की किंतु नहीं मिला। प्रार्थी ने उक्त मोबाइल की ऑनलाइन गुमशुदगी की सूचना दे रखी, जो हमने ऑनलाइन रिपोर्ट की थी ये उसके बारे में बात की गई है, जिसकी छायाप्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो हमें ऑनलाइन FIR की कॉपी मिली थी वो भी हमें इस एप्लीकेशन के साथ लगानी है। प्रार्थी के उक्त मोबाइल का EMI नंबर क्रमशः यहाँ पर आपको EMI नंबर 1 और EMI नंबर 2 क्रमशः दोनों EMI नंबर को डाल देना, जो कि आपके फ़ोन के बिल में लगे होंगे। उसके बाद आपको लिखना है प्रार्थी ने इस मोबाइल पर अन्य फोन से कॉल किया तो शुरू में घंटी जा रही थी किंतु बाद में मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया। मेरे मोबाइल के गलत प्रयोग की संभावना जिसकी वजह से मुझे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपयुक्त नंबर को सर्विलांस पर लगवाकर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें, श्रीमान जी की अति कृपा होगी। देन उसके बाद आपको यहाँ दिनांक डाल देनी जिस दिनांक को भी आप ये एप्लीकेशन जमा करेंगे, यहाँ पर आपको वो वाली डेट डालनी है। फिर यहाँ पर आपको नीचे लिखना है प्रार्थी में आप अपना नाम लिखेंगे और सोन ऑफ करके अपने फादर का नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पर आप जो मोबाइल नंबर लिखेंगे नीचे लिखा हुआ मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर चालू लिखेंगे, जिससे भी अगर आपका फ़ोन इन फ्यूचर कभी भी सर्विलांस पर ट्रैक हो जाता है तो इस पर आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने फ़ोन को सर्विलांस पर लगवाने के लिए एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं। इस एप्लीकेशन की बर्ड फाइल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप सिंपली वहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपली आप अपना EMI नंबर और सिटी वगैरह चेंज करके आप उस एप्लीकेशन को प्रिंट करवा सकते हैं। इस एप्लीकेशन के साथ ही आपको एक जो हमने ऑनलाइन FIR दर्ज की थी उसकी एक कॉपी अटैच करनी है, साथ ही अपने फ़ोन के बिल की एक कॉपी अटैच करनी है और आप अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ भी इसमें लगा सकते हैं, जैसे आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। इस चार चीज़ों को लगाने के बाद आप इससे SSP के कार्यालय में जमा कर देंगे। जमा करने के 1 से 2 दिन बाद ही आपकी जो एप्लीकेशन है वो सर्विलांस डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। देन उसके बाद आपका फ़ोन जो है सर्विलांस ट्रैक पर लगा दिया जाएगा। देन आपका जब भी फ़ोन ट्रैक होता है इन फ्यूचर तो आपको जो आपने नंबर दिया नीचे उस पर आपको कॉल की जाएगी। अगर आपका फ़ोन 6 से 7 दिन या महीने में भी कोई सूचना नहीं आती तो आप सर्विलांस डिपार्टमेंट में जाकर इसे एक बार पूछ सकते हैं। सर्विलांस डिपार्टमेंट कहाँ ये आपको अपनी सिटी में पता करना होगा, लेकिन आप मैं बधाई की बात करूँ तो सर्विलांस डिपार्टमेंट SSP साहब के आवास में ही है, जो कि बिल्कुल विकास भवन के जस्ट सामने ही है, तो आप वहाँ पर जाकर अपने फ़ोन को पता कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा फ़ोन 2018 में गिर गया था, उसी का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।